हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की छोड़ में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके भी फ़ोन में इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, सम सिस्टम फंक्शंस में नॉट वर्क। यहाँ पर अगर आपके मोबाइल के कुछ सिस्टम जो वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर कोई ऐप आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो ऐप भी इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस पूरा फुल हो चुका है। तो कैसे इसे खाली करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको फ़ोन स्टोरेज पे टैप करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप अपने फोल्डर में चेक करना, जितने भी वायरस रहेंगे आप सबसे पहले उसे डिलीट करना। तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर की साइड दो डॉट पर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हिडन फाइल को ऑन कर देना है। फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए इस प्रकार की जो हिडन फाइल्स रहती हैं इन्हें यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पर भी कुछ पड़ी हैं, चलिए इन्हें हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद जो फोल्डर आप रखे हैं जिसमें एप्लीकेशन है या फिर कोई ऐसा कैच फाइल है जो आपके काम का नहीं है, आप उसे यहाँ से डिलीट कर देना। तो गाइस यहाँ से हम डिलीट करते हैं इसे। देखिए इस फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप फोल्डर के अंदर जाके चेक कर लेना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं ना है, तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है। आप चेक कर लेना कि आपको क्या रखना है, क्या डिलीट करना है, डिलीट कर देना अपने हिसाब से। फिर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अभी हमारा फ़ोन स्टोरेज देखिए इतना है, 72.7 GB। अब हम इस पर क्लिक करते हैं रिसेंटली डिलीटेड पे, और अब हम नीचे डिलीट ऑल पे क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं बैक, तो यहाँ पर देखिए 72 से 74.4 GB खाली हो चुका है। इस तरीके से भी आप खाली कर सकते हैं। या फिर गाइस आपको क्या करना है, अपने सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर एक सेटिंग खोजना है, ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर, जहाँ पर सभी एप्लीकेशन रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद आप क्या करना, तो गाइस जिस एप्लीकेशन को आप ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर प्ले स्टोर हो गया, जो ऐप आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर डेटा पर क्लिक करके ओके कर देना है। ध्यान रहे कि किसी गेम को क्लियर डेटा मत कर देना, नहीं तो आपको फिर से उसे अपडेट करना पड़ेगा और अपनी सेटिंग को भी बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप सभी ऐप को कर देते हैं जो आप ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन अगर वो गेम नहीं है, आप अपने फेसबुक को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फेसबुक को करेंगे तो अपनी आईडी को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में भी करना पड़ेगा और व्हाट्सएप में भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपने मेमोरी कार्ड को खाली कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।